दोस्तों बॉलीवुड में हर साल अलग अलग तरह की कई फिल्में रिलीज़ होती है कुछ अपनी कहानी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है तो कुछ असफल साबित हो जाती है वहीं कुछ ऐसी फिल्में होती है जिन्हें आप अपने परिवार के साथ देख ही नहीं सकते इन फिल्मों के बोल्ड कंटेंट के भरमार के चलते इन्हें घर में एक कोने में अकेले ही देखा जा सकता है आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बोल्ड सीन्स ने सारी यादें पार कर दी थी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बच्चे हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक काट दीजिए और यदि आप एडल्ट हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप भी बॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें कामासूत्र सबसे पहले बात करते हैं फिल्म कामासूत्र की बता दें कि बॉलीवुड की सबसे बोल्ड फिल्मों की लिस्ट में सुमार कामासूत्र को लेकर उस समय खूब हंगामा मचा था इस फिल्म में बोल्ड सीन्स की भरमार है और इन्हीं बोल्ड सीन्स ने दर्शकों के दिलों में आग लगा दी थी आस्था साल उन्नीस सौ में आई ये फिल्म एक इरोटिक ड्रामा थी इस फिल्म में रेखा और ओमपुरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म में कई बोल्ड सीन थे जिन्होंने उस समय खूब हंगामा मचाया था मातृभूमि नेशन विदाउट मूवमेंट तीसरे नंबर पर बात करते हैं फिल्म मातृभूमि की बता दें कि ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों की लिस्ट में शामिल है जिसमें बोल्डनेस की सारी हदें पार हैं ये फिल्म 2005 में आई थी और इस फिल्म में एक लड़की के पांच भाइयों से शादी करा दी जाती है इस फिल्म में भी बहुत सारे बोल्ड सीन दिखाए गए हैं जिसे परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता गर्लफ्रेंड दोस्तों फिल्म गर्लफ्रेंड भी इन्हीं फिल्मों की लिस्ट में शुमार है जिसे परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता साल 2004 में आई इस फिल्म में ईशा कोपिकर अमृता अरोड़ा सुमित निजावन और आशीष चौधरी लीड रोल में थे फिल्म में अमृता अरोड़ा और ईशा कोपिकर के कई बोल्ड सीन फिल्माए गए थे जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया जूली इस फिल्म में संजय कपूर और नेहा दोपिया नजर आई थी फिल्म में दिखाया गया था कि जूली का कई बार शोषण होता है फिल्म में भी बोल्ड सीन्स की भरमार देखने को मिली थी जिसम टू सनी लेल की पहली बॉलीवुड हिंदी फिल्म ने भी रिलीज़ के बाद ही तहलका मचा दिया था इस फिल्म में सनी ने रणदीप हुड्डा और अनुरुद्ध सिंह के साथ कई बोल्ड सीन दिए थे तो दोस्तों क्या आपने ये फिल्में देखी है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर ज़रूर बताए साथ ही ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें